ग्राहों का चाल चलन कब बदल जाए, किसके अच्छे और किसके बुरे दिन आ जाए, यह कहा नहीं जा सकता। दरअसल शनिदेव 31 जनवरी को कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं, जिसके बाद पुनः 5 मार्च को उदित होंगे, यानी कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में 33 दिन शनिदेव अस्वस्थ रहेंगे। ऐसी स्थिति में कुछ राशि वालों पर साढ़े साती की ढैया बरकरार रहेगी। 5 राशि के जातक शनिदेव के कुंभ राशि में अस्त होने से त्राहिमाम करेंगे। तो चलिए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं है उस राशि में शामिल। ज्योतिषाचार पंडित कल्कीराम कहते हैं कि 31 जनवरी को शनि ग्रह कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं, जिसका सीधा असर 5 राशि के जातकों पर पड़ेगा। 33 दिनों तक शनि ग्रह अस्त रहेंगे। इन 33 दिनों में 5 राशियों पर, जिसमें मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि पर असर देखने को मिलेगा। जानिए क्या कुछ कहा ज्योतिषाचार पंडित कल्कीराम ने। बंधुओं, 31 जनवरी को शनि ग्रह कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं, जिसका सीधा असर 5 राशि के जातकों पर पड़ेगा। 33 दिन तक शनि ग्रह अस्त रहेंगे, इसलिए इन 33 दिनों में इन 5 राशि के जातकों, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इन 5 राशि के जातकों को चाहिए कि वे सावधानीपूर्वक शनि की प्रसन्नता अनुकूलता के उपायों पर क्रियान्वयन हों, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, शनिवार मंगलवार को प्रातःकाल स्नान ध्यान करके तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काला तिल डालकर पीपल के वृक्ष के नीचे डालें। कुंभ राशि के लिए तो अत्यंत सावधानी की जरूरत है, क्यों कि शनि ग्रह कुंभ राशि में ही अस्त हो रहे हैं, इसलिए इसका सीधा असर कुंभ राशि के जातकों पर पड़ेगा। उन्हें चाहिए कि सावधानी पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करते हुए शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सोमवार शनिवार को तांबे के लोटे में जल और काला तिल डालकर प्रतिष्ठित शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे शनि भगवान प्रसन्न होंगे, क्यों कि शनि को भगवान शिव का प्रथम गण माना गया है। ऐसा उपाय करने से भगवान शनि की अनुकूलता का अनुभव होगा।